सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं काफी समय बाद YouTube पे आ रहा हूँ। बहुत समय गुजर गया, मैंने कोई वीडियो अभी तक नहीं डाली। अब मैं दोबारा से वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने एक भी ना वीडियो डालने की वजह से आई एम सॉरी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मैं इस प्रकार का क्वेश्चन बना रहा हूँ जो आर्मी के हर एग्जाम में अक्सर आता रहता है। आर्मी के जीडी में उसे आना ही आना है। उस एग्जाम को देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम परीक्षण, यानी कि क्रम परीक्षण। तो क्रम परीक्षण में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए भाई कि जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं एबीसीडी के, वो बाएं ओर से दाएं ओर लिखे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले से लिख रख दिया है, बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, मैंने पहले से लिख रख दिया है। और इनके याद करने का तरीका ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था। यदि आपको इनका तरीका याद नहीं तो आप इस प्रकार से इनको काउंट कर सकते हो, इनकी नंबरिंग कर सकते हो। अंततः मैंने पिछली वीडियो में तरीका दिया, उसे आप देख सकते हो वहां पे जाके। सुनिए, क्वेश्चंस कहता होता है, ये लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया पहले से, कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से दसवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको दो तरीके याद होना चाहिए। यदि दिशाएं समान होती है तो उनको घटाते हैं, समान दिशाएं हमेशा घटाई जाती हैं। जैसे दिया है वाया वाया और दाया दाया, वाया वाया, दोनों दिशाएं समान है, हम इनको माइनस कर देंगे, घटाई जाएंगे। और जब भी विपरीत दिशाएं आती हैं तो उनको हम जोड़ते हैं। जैसे विपरीत बोले तो वाया दाया या दाया वाया, तो उनको जोड़ोगे। ध्यान रखना, समान दिशाएं घटती है और विपरीत दिशाएं जुड़ती हैं। यदि आपको ये दो तरीका मालूम है तो ये सवाल बनाना बहुत ही आसान होता है। देखिए, हम एक सवाल बनाते हैं, उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से दसवें, तो आप लिखो बाएं ओर से दसवें। आपने बाएं से दसवां लिखा और द्वारा से फिर दिया है बाएं से सातवें, बाएं से सातवें। इस प्रकार से सवाल को पहले लो, दिशाएं कैसी हैं वो लिखो, बाएं दाएं दाएं या बाएं। इस सवाल में उसने आपको समान दिशा दी है, बाएं से दसवां और बाएं से सातवां, दोनों दिशा समान होने के कारण मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि समान दिशाएं आप घटाते हो और विपरीत दिशाएं जोड़ते हो। इन दोनों को माइनस करोगे और माइनस करके आपका क्या बच रहा है, तीन। इसमें विशेष ध्यान देना है, जो यहाँ पे अक्षर बचेगा इसे आप जो दिशा पहले दी है वहां से काउंट करोगे। हमारा आ रहा है माइनस का, घटा के तीन बच रहा है। अब तीसरा अक्षर हम देख रहे हैं कहां से भैया, बाएं ओर से। पर जो दिशा सबसे पहले दी है वहीं से काउंट किया जाता है। अगर बाएं दिया है तो वहां से काउंट करोगे और दाएं दिया है तो दाएं से काउंट करोगे। चूंकि उसने पहला बाएं दिया है तो हम बाएं ओर से देखेंगे, बाएं ओर से हमारा तीसरे पे होता है आपका काउंट, ये ए बी सी, यानी सी होगा तीसरे पे। आपको क्रम याद है तो डाल सी रख देते इसका आंसर, और क्रम याद नहीं है तो आप इसका आंसर गिन सकते हो वहां से। तो आपका आंसर क्या रहा है, सी। इसी प्रकार से मैं एक सवाल और बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए, उन्होंने कह दिया कि दाएं ओर से दसवें अक्षर के बाएं सातवां क्या होगा। ध्यान देना, दाएं ओर से दसवें अक्षर के बाएं सातवां, दोनों दिशा विपरीत होने के कारण हम दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ के हमारा होता है सत्रवा। बात वही ध्यान रखनी है, हमेशा काउंट वहां से होता है बेटा जो आपकी दिशा पहले होती है। अब यहाँ पे दिशा आपको क्या दे रहा है, दाएं, तो सत्रवा अक्षर आप दाएं से काउंट करोगे, बोलो दिशा से, या तो सीधा यहाँ से काउंट कर लो। अंतर का तरीका मैंने बताया था, जब भी किसी अक्षर का विपरीत उल्टा निकालना है तो उस अक्षर के क्रम को आप 27 यानी 27 में से माइनस कर दो। यदि आप 27 में से 17 माइनस करते हो तो आपका बचता है 10, और 10 पे आपका क्या होता है, जे। आपका अंक इसका होगा जे, यानी कि घटा के दे लो, जो बच रहा है वो इसका क्रम होता है। अन्यथा यहाँ से काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 हमारा जे आ जाता है उसे, नहीं तो आप उसको माइनस कर दो। एक और देखिए, मैं एक और बताना चाहूंगा आपको फिर से। उन्होंने कहा कि भाई दाएं ओर से 12वें अक्षर के बाएं दाएं लो पर माइनस वालों, दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं आठवां क्या होगा, समान दिशाएं हैं, इसको माइनस करेंगे। अब 12 में से 8 गया तो आपका बचता है 4। गिनने का तरीका वही होगा, कहां से काउंट करोगे, दाएं से।
अब डाउन से इसको काउंट करोगे तो यहाँ से एक दो तीन चार आपका हुआ डब्लू, और ऐसे काउंट नहीं करो तो आपको क्रम याद होना चाहिए। उल्टा निकालने के लिए आप 27 में मार्क कर दो, यदि आप 27 में से घटाओगे 4 आपका बेटा बचता है 23, और 23 में मैंने बताया था कि 23 होता है डब्लू। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इसको दिमाग में रखोगे जीडी में क्वेश्चन का इसका आएगा, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए